स्वागत है। सेवन स्टैंडर्ड साइंस के बच्चों के लिए मैंने जो फर्स्ट लेसन अपलोड किया है पार्ट वन में, फर्स्ट लेसन है द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। और आप लोगों ने अगर पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले पार्ट वन देखिएगा, फिर उसके बाद में ये जो पार्ट टू है जो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो देखिए, वरना आपको लेसन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एडेप्टेशन इन एनिमल्स, मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स इन योर सराउंडिंग्स। तो आपके सराउंडिंग्स में जो भी एनिमल्स है उनका आप लोग एक लिस्ट तैयार कीजिए। कंपेयर द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स लिस्टेड बाय योर फ्रेंड्स विथ योर लिस्ट। तो आपने जो एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं आपके लिस्ट में तो उसका कंपैरिजन कीजिए अपने फ्रेंड ने जो लिस्ट तैयार किया है उसके साथ में, ठीक है। उसने कौन से एनिमल्स के नाम लिखे हैं, आपने कौन से एनिमल्स के नाम लिखे हैं और उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। डिस्कस द हैबिटेट्स। अभी आप लोगों को वो जो आप लोगों ने जो भी एनिमल्स के नामों की लिस्ट तैयार की है तो उसमें डिफरेंसेस आपको किस बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई करना है, तो डिस्कस द हैबिटेट्स यानी वो लोग कहाँ पर रहते हैं, उनके रहने की जगह क्या है, जो भी एनिमल का आपने नाम लिखा है, ठीक है। फूड हैबिट्स, उनकी फूड हैबिट्स क्या है, वो क्या खाते पीते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, उनके शरीर के रचना के गुणधर्म क्या है, जैसे कि लाइक वर्टिब्रल कॉलम, क्या वो स्पाइनल कॉर्ड है उनको या स्पाइनल कॉर्ड नहीं है तो वो भी आपको बताना है। विंग्स है उनको या गिल्स है, टेल है एक्सेट्रा। एंड प्रिपेयर अ चार्ट, और इस तरह से आप लोगों को चार्ट प्रिपेयर करना है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन टेरिस्टोरियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। अभी टेरिस्टोरियल और एक्वेटिक एनिमल्स में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो टेरिस्टोरियल यानी जमीन पर रहने वाले एनिमल और एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले एनिमल्स, ओके। तो ये जो एनिमल है ना उसको मराठी में भूचर कहते हैं, टेरिस्टोरियल एनिमल्स को भूचर एनिमल बोलते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स को जलचर एनिमल कहते हैं जो पानी में रहते हैं, ओके। टेरिस्टोरियल एनिमल जमीन पर रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल पानी में रहते हैं, और वो हिसाब से आप लोगों को दोनों में डिफरेंसेस करना है। एज कंपेयर्ड टू टेरिस्टोरियल एनिमल्स द स्किन एंड बॉडी शेप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स अपीयर टू हैव अंडरगॉन चेंजेस। अभी देखो जमीन पर रहने वाले एनिमल्स का बॉडी स्किन और जमीन पर रहने वाले एनिमल्स का बॉडी और स्किन अलग अलग होते हैं। फिशेस हैव स्केल्स ऑन द स्किन, उनके स्किन के ऊपर स्केल होता है, एंड फिन्स ऑन द बॉडी, उनके बॉडी में फिन्स भी होते हैं तैरने के लिए। देयर बॉडी टेपर्स टूवर्ड्स बोथ इट्स एंड्स एंड्स, और उनके देयर बॉडी टेपर्स टूवर्ड्स बोथ इट्स एंड लाइक अ स्पिंडल। ये देखो ये है फिन्स, ये है गिल्स, ये है स्केल्स, जो हम लोग बनाते हैं ना तभी इसको निकाल देते हैं, देखो स्केल्स ब्लेड की जैसा होता है वो। फिश ब्रीद विथ गिल्स, गिल कहाँ पर है ये देखो, ये डायग्राम आएगा आप लोगों को एग्जाम में, ये देखो गिल इंस्टेड ऑफ द नोज, इसे नोज नहीं होता है, ये गिल्स से ब्रीदिंग करते हैं। देयर आईज हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स, उनके आंखों में ट्रांसपेरेंट आईलिड्स होते हैं। ऑब्जर्व द बॉडीज ऑफ द फ्रॉग डक एंड टॉर्टोइस, अभी इन लोगों के बॉडीज को आप लोग ऑब्जर्व करो। वन ऑफ व्हाट यूज आर देयर लेग्स टू दीज एनिमल्स, उनके पैरों का उन लोगों को क्या यूज होता है। व्हाट हैज फ्रॉग टू ब्रीद अंडर वाटर, पानी के अंदर सांस लेने के लिए फ्रॉग किस ऑर्गन का यूज करता है ब्रीदिंग के लिए। Of what use are the long hind legs of a frog? Frog को जो लंबे पैर होते हैं ना पीछे के,
वो किस काम आते हैं। व्हाई डज अ डक गेट वेट इन व्हाई डजंट अ डक गेट वेट इन वॉटर। डक जो है वह पानी में रहने के बावजूद भी गीला क्यों नहीं होता। As the frog and duck have webbed toes, अभी देखो उनके जो पैर होते हैं ना ये इस तरह से होते हैं webbed, ये देखो है ना, तो इसमें गैप नहीं होता तो उसमें वो आराम से तैर सकते हैं, इस इन पैरों में गैप नहीं होता है, इसको webbed toes कहते हैं, इसको झिल्लीदार toes भी कहते हैं। They can use their legs like oars. जैसे हम लोग बोट चलाते हैं ना, बोट चलाते समय किस तरह से वो oars का यूज करते हैं साइड में बोट को ढकेलने के लिए, उसी तरह से वो जो डक है उसके webbed legs का यूज करते हैं, toes का यूज करते हैं। Water flows off the waxy feathers of birds like duck and water hen. अभी इनके जो फेदर होते हैं वो वैक्सी होते हैं, वैक्सी होने की वजह से वह पानी सक नहीं करते हैं, तो पानी उनके ऊपर ठहरता नहीं है, जैसे कि डक है और वाटर हैन है। वेब्ड टोस, स्लिपरी स्मूथ स्किन एंड अ ट्रायंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग टू स्विम इजीली थ्रू वाटर। अभी फ्रॉग पानी में इजीली स्विम कर लेता है, क्यों? एक तो उसके वेब्ड पैर होते हैं, स्लिपरी होती है वो, बहुत ही चिक 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 रहता है, स्मूथ स्किन रहती है उसकी, एंड अ ट्रायंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग टू स्विम इजीली थ्रू वाटर। दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ब्रीद थ्रू द स्किन इन वाटर and using the nose and lungs on land। ये सवाल आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है कि जमीन पर फ्रॉग कैसे सांस लेता है और पानी के अंदर किस तरह से सांस लेता है। They can live on land as well as in water। वह जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। कौन? फ्रॉग। फ्रॉग यानी बेडूक। इन वॉटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ब्रीथ, यानी उन लोगों में सांस लेने की क्षमता है, थ्रू द स्किन इन वॉटर, पानी में वो लोग स्किन से सांस लेते हैं, एंड यूजिंग द नोज एंड लंग्स ऑन लैंड, और जमीन में नाक से सांस लेते हैं, उनको भी लंग्स होते हैं, तो ये हो गया पानी में भी रहने वाला और जमीन में भी रहने वाला। पानी में वो स्किन से सांस लेता है और जमीन पे नोज से और लंग्स के साथ सांस लेता है, यानी नोज से सांस लेता है तो लंग्स में जाती है ना, जैसे हम लोग इंसान लोग लेते हैं उस तरह से, नहीं तो आप लोग बोलेंगे लंग्स से सांस लेता है, नोज रह गया बाजू में, ऐसे नहीं है वो। द टिपिकल कलर्स ऑफ अ फ्रॉग्स बैक हेल्प इट टू हाइड अमॉन्ग ग्रासेस। अभी ना फ्रॉग अलग अलग कलर के होते हैं, क्यों अलग अलग कलर के रहते हैं? क्योंकि वो लोग जिस ग्रास में रहते हैं ना, अगर वो ग्रीन ग्रास में रहने वाला हो तो उसका बैक जो रहेगा वो ग्रीन कलर का रहेगा, ताकि वो वहां पर छुप सके, तिकड़े तो लपू शकतो, म्हणून त्या कलर से त्यांचा स्किन असतो। मेक अ लिस्ट ऑफ अ नेम ऑफ सम अदर एम्फीबियंस यू नो एंड स्टडी देयर एडेप्टेशन। अभी एम्फीबियंस यानी क्या? जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग है, टॉर्टोइज है, क्रैब है ना, बेडूक, कासव, खेकड़ा और भी है एनिमल जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं। एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। अभी देखो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जंगल में और ग्रासलैंड में रहने वाले एनिमल्स के बारे में, घास फूस में रहने वाले एनिमल्स के बारे में। अभी कार्निवोरस एनिमल्स यानी जो मांस खाता है ना वो एनिमल, लाइक द वाइल्ड डॉग। अभी कौन कौन है? राइट, टू टू नेम्स में आएगा। फॉक्स, टाइगर, लायन हैव अ स्ट्रॉन्ग लेग।
फास्ट कैप्चर देयर प्रे, प्रे यानी शिकार, अपना शिकार पकड़ने के लिए बोलो बोलो। स्ट्रॉन्ग लेग्स रहते हैं उनके और बहुत तेज वो लोग भागते हैं कैप्चर करने के लिए यानी पकड़ने के लिए, अटैक से जाके हमला कर देते हैं। दे हैव क्लाउज एंड देयर कैनाइन टीथ, क्लाउज यानी पंजा, उनका जो पंजा रहता है ना, जो पंजा रहता है ना पंजा, इसे पंजे से ना इसे पकड़ लेते हैं, बहुत शार्प रहता है उनका ग्रिप भी बहुत मजबूत रहता है, वो इस तरह से एनिमल को पकड़ लेते हैं। और प्लस देन कैनाइन टीथ, उसके जो दांत होते हैं ना, दांत इसे ना कैनाइन टीथ कहते हैं, क्या कहते हैं, कैनाइन टीथ, बहुत कितने शार्प है, आर शार्प एंड पॉइंटेड, एकदम धारदार रहते, एकदम पॉइंटेड रहते। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सच टीथ, तो इस तरह के दांत रहने के पीछे क्या कारण है। टाइगर्स हैव पैडेड पाउज, पैडेड पाउज यानी उनके जो पैर होते हैं ना इसे इस तरह से, और बहुत ही ऐसे पैडेड यानी जैसे एक स्पंजी के जैसा ऐसा नीचे है ना, उनके नीचे कैसे होते हैं मालूम है, ये उनका पैर है ना, ये उनका पंजा है ना, तो दिखा रही हूँ ना मैं इतना अभी ड्राइंग करके नहीं, बस ये जो नीचे रहते ना उनके इस तरह से जैसे गोल गोल पैर, देखो जैसे बिल्ली के पैर के नीचे आप लोगों ने देखा रहेगा, ये नीचे रहते हैं ना पैर के, तो उनके पैडेड पैर रहते हैं। क्यों रहते हैं पैडेड पाउस, दिस इनेबल्स देम टू साइलेंटली स्टॉक देयर प्रे एंड कैप्चर इट इजीली। अभी जब इस तरह की उनके पैर एक पांव होने की वजह से जब वो लोग चलते हैं ना, चलते हैं तभी आवाज नहीं होती और वो लोग आसानी से अपना शिकार पकड़ सकते हैं, कैप्चर करना है ने पकड़ लेना। द आईज ऑफ प्रेडेटरी कार्निवोर्स आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड्स, जो भी एनिमल शिकार करता है ना उस शिकार एनिमल की जो आंखें होती है ना उसके हेड के सामने रहती है, देखो वो सामने देखते रहता है कभी भी, ध्यान में रखना ये बात। इट हेल्प्स देम टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि अगर कहीं दूर पर भी उनका शिकार होगा तो वो लोग देख सके, ठीक है। अभी द आईज ऑफ हर्बीवोरस आर बिलो द फोरहेड, अभी ये है हर्बीवोरस यानी जो वेजिटेबल्स वेजिटेरियन होता है, हर्बीवोरस यानी खाली ग्रीन ग्रास पत्ते जो खाने वाले एनिमल है उन्हें कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल, क्यों हर्बीवोर्स भी कहते हैं जो ग्रीन ही खाते हैं अर्थ में का, जैसे घास पत्ते पेड़ों के, समझे, तो उन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स। ध्यान में रखो जो वेजिटेरियन है वो हर्बीवोर्स है, जो मांसाहारी है वो कार्निवोर्स कार्निवोरस है। तो आप लोगों को ये भी आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन में या फिर राइट टू टू नेम्स में भी आ सकता है। नाउ इन लोगों की जो आंखें होती है बिलो द फोरहेड होती है ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, देखो है ना नीचे की तरफ है, क्या नहीं, क्यों नीचे की तरफ है अभी ये हम लोग जानेंगे। दिस गिव्स देम वाइड एंगल विजन which helps to protect them from the predators, predators यानि शिकारी। अभी उनकी आंखें क्यों forehead के नीचे रहती है, ताकि अगर शिकारी कितना भी दूर खड़ा होगा तो वो उसे देख सकते हैं और अपने आप को
बचा सकते हैं। देयर लेग्स आर लॉन्ग, उनके पैर लंबे होते हैं, एंड टेपरिंग विथ स्ट्रॉन्ग हूव्स, और उन लोग का जंप भी होता है ना, बहुत लंबा रहता है उन लोग का जंप, विच अनेबल्स देम टू रन फास्ट टेकिंग लॉन्ग लीप्स। टेपरिंग, टेपर, अच्छा ये जो उनके पैर होते हैं ना वो शंकू आकाराचे पाय म्हणतात त्यांना, त्यामुळे फार लांब पर्यंत ते धावू शकत नाही, बहुत दूर तक वो लोग भाग नहीं सकते हैं। देयर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग इयर्स कैन रिसीव साउंड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, उनके इयर्स इतने शार्प होते हैं, कितना भी लंबाई का साउंड रहेगा तो उनको तुरंत सुनाई देता है, एंड डिफरेंट डायरेक्शंस, और कौन से डायरेक्शंस में है वो भी उन लोगों को समझ में आता है। डियर एंड ब्लैक बक्स हैव कलर्स दैट मर्ज विद देयर सराउंडिंग, देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर चीविंग टफ प्लांट मटेरियल, उनका जो स्किन कलर होता है वो उन लोगों को उन लोगों के सराउंडिंग के हिसाब से होता है। देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग, उनके दांत भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, अपने भी दांत स्ट्रांग है ना, फॉर चीविंग टफ प्लांट मटेरियल, जो पत्ते वगैरह होते हैं उसे खाने के लिए उनके दांत मजबूत होते हैं। एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल, अभी डेजर्ट यानी वाळवंटात राहणारे प्राणी, सेंड में रहने वाले एनिमल, वाळवंट राजस्थान में है ना, अरेबियन कंट्रीज में है ना वो वाळवंट। डेजर्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर स्कॉर्सिटी ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, डेजर्ट क्यों बनता है, जहाँ पानी कम होता है वहाँ डेजर्ट बनता है, हैंस डेजर्ट एनिमल्स है अ थिक स्किन। अभी वहाँ के एनिमल्स की क्या खासियत है, उनकी स्किन थिक होती है, मोटी, जाड़ी चमड़ी, मोटी स्किन, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, क्यों होती है, क्योंकि स्किन जाड़ी होने की वजह से उन लोगों को पसीना नहीं आता, और पसीना नहीं आने की वजह से उन लोगों के जो बॉडी का जो वाटर होता है वो सेव होता है। देयर लेग्स आर लॉन्ग, उनके पैर लंबे होते हैं, देखो ये कैमल के पैर कितने लंबे हैं। देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड कुशन्ड सेल्स, उनके जो पैर के नीचे जो रहता, जैसे मैंने टाइगर का बताया ना आपको, उसी तरह से कुशन के जैसा होता है वो नीचे। द नॉस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन, ये देखो ये इसका जो नॉस्ट्रिल है ना, ये नॉस्ट्रिल जो है वो स्किन से कवर्ड है, ये देखो ये जो है नॉस्ट्रिल जो है वो स्किन से कवर्ड होता है। द आई लैशेस आर लॉन्ग एंड थिक, उसके जो आई लैश होते हैं बहुत लंबे और घने होते हैं, ठीक यानी घने होते हैं। रैट्स, स्नेक्स, स्पाइडर्स, लेजर्स इन डेजर्ट्स लिव इन डीप बरोज, अभी ये जो एनिमल है ये लोग खड्डा खोद के डेजर्ट के अंदर जमीन के अंदर रहते हैं, होल्स में, ड्यूरिंग डे टाइम एंड आर एक्टिव एट नाइट, दिन भर वो लोग होल्स में रहते हैं और रात को वो लोग होल्स से बाहर आते हैं, ठीक है। एडेप्टेशन इन एनिमल ऑफ स्नोवी रीजन, अभी देखो आइस जहाँ पर गिरते हैं ना उसे स्नोवी रीजन कहते हैं, बर्फाड़ प्रदेश। फ्रॉम द इंटरनेट डाउनलोड इमेज ऑफ एनिमल्स लाइक याक, पोलार बेयर, व्हाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट, साइबेरियन हस्की डॉग एंड स्नो लियोपर्ड, कंपेयर दीज इमेजेस एंड दोज ऑफ सिमिलर एनिमल्स फ्रॉम
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर इन लोगों का कंपैरिजन करो बर्फ में रहने वाले एनिमल्स का और फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स का। व्हाइट और सिल्वर बॉडी कलर, लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन। अभी उनकी व्हाइट और सिल्वर बॉडी कलर होता है उन लोग का, क्यों? अपने आप को बचाने के लिए ना। अभी स्नो व्हाइट होता है तो इसके लिए उन लोग का भी स्किन जो होता है वो व्हाइट या सिल्वर कलर का होता है ताकि वो लोग स्नो में दिखाई न दे। और लॉन्ग टिक हेयर, ये देखो लंबे और मोटे मोटे हेयर उनके बदन पे होते हैं। क्यों होते हैं? ठंडी से बचने के लिए। दीज आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल ऑफ स्नोवी रीजन में, जो एनिमल है उन लोग का ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाउ आर दीज यूजफुल टू देम? तो मैंने इस बात को बताया ना कि ठंडी से बचने के लिए होते हैं। नाउ एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स, लटकने वाले या उड़ने वाले एनिमल्स। What is the main difference? हाँ, उड़ने वाले एनिमल्स, एरियल हवा में रहने वाले एनिमल्स। What is the main difference between vehicles on the road and aeroplanes? The spindle-shaped body of birds also minimized the resistance of air while flying. With hollow bones, a body covering of feathers and modifications of four legs into wings, their body is light in weight and adapted for flying. उनका जो बॉडी है वो शंकु आकार का होता है। Of the bird, of minimize the resistance of air while flying. क्यों? तो जब वो लोग हवा में उड़ते हैं तो वो एयर में आराम से रेजिस्ट कर सके, इसके लिए उड़ते समय अपने आप को रेजिस्ट कर सके। विथ हॉलो बोन्स, उनके जो बोन होते हैं वो हॉलो होते हैं। अ बॉडी कवरिंग ऑफ फेदर्स, उनकी जो बॉडी है वो फेदर से, पंखों से कवर्ड रहती है। एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लेग्स इनटू विंग्स, उनके जो आगे के ये देखो ये है उनके फोर लेग्स और ये है टेपरिंग स्लेंडर बॉडी। ये देखो ये जो शेप है ना उसका बॉडी का शंकु आकार, उसको बोलते हैं स्प्लेंडरिंग शेप। फोर लेग्स इनटू विंग्स, देयर बॉडी इज लाइट, उनका वजन जो होता है बॉडी का वो बहुत ही हल्का होता है। एंड एडेप्टेड फॉर फ्लाइंग, इसकी वजह से वो लोग आसानी से उड़ सकते हैं। द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट ऑल्सो इज लाइट इन वेट, कीटक बोलते हैं इंसेक्ट यानी कीटक, उनकी जो बॉडी होती है वो भी वेट में लाइट होती है, वजन उनका भी हल्का होता है। एंड टेपर्स ऑफ बोथ एंड्स, दोनों जगह पे वो भी शंकु आकार के होते हैं। दे कैन फ्लाई विथ टू पेयर of wings and also walk with six stick like legs. तो वो लोग उड़ भी सकते हैं विंग्स के सहारे या फिर छह पैरों से चल सकते हैं। इंसेक्ट मालूम है ना आप लोग को, छह पैर होते हैं उनको। ऑब्जर्व द, जैसे बटरफ्लाई है वो उड़ता है और कॉकरोच जो है वो चलता भी है और उड़ता भी है, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। Observe the various birds and insects in your area. Now adaptation in reptile. Reptiles यानि सरपटनारे प्राणी। Reptiles सरपटनारे प्राणी, इसे कहते हैं reptiles. Observe from a distance how snakes and earthworm creep. Snake means sap, earthworm यानि गांडू। Which organs do they use for creeping? तो वो creeping करने के लिए अपने body का किस organ का use करते हैं? Are there any special changes for that purpose? क्या उन लोगों में कुछ special changes दिखाई देते हैं
वो चलने के लिए, उन लोग को क्रीपिंग करने के लिए, नोट एनी सच चेंजेस, ऐसे कुछ चेंजेस आप लोग अभी नोट कीजिएगा। एनिमल्स लाइक हाउस लिजर्ड, जो हमारे घर में होते हैं ना छिपकली पाल, गार्डन लिजर्ड अलग होता है, क्रोकोडाइल यूज देयर मसल्स फॉर क्रीपिंग, अपने मसल्स का यूज करता है वो क्रीपिंग करने के लिए, क्रोकोडाइल देखा है ना मगरमच्छ, सिमिलरली दे शो एडेप्टेशन इन स्किन, सोल्स ऑफ फीट, बॉडी कलर एटसेट्रा। तो उन लोगों के स्किन में सोल ऑफ फीट, पैरों के जो सोल होते हैं ना नीचे का पार्ट वो, और उनके बॉडी कलर में हम लोग को सिमिलैरिटी दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल द हाउस लिजर्ड, जो घर में छिपकली होती है वो, एंड मॉनिटर लिजर्ड हैव क्लाउड टोज एंड थिन सेल्स, वेयर एज स्नेक्स हैव अ स्केली स्किन। देखो ये जो सांप है ना, उसके जो स्किन के ऊपर ना एक स्केल होता है, और ये जो छिपकली होती है ना उसका स्किन पतला होता है, ठीक है। एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल, अभी एनिमल्स के फूड देखेंगे हम लोग। वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स एज हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, मैंने बताया था ना आपको दो कैटेगरीज में एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, हर्बीवोरस यानी घास फूस खाने वाले, और कार्निवोरस यानी मांस खाने वाले एनिमल्स। स्पेशल एडेप्टेशन आर सीन इन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग इजी। तो इन दोनों में हम लोग कैटेगरीज बनाएंगे, वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल इन द चैप्टर ऑन न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन चैप्टर में हम लोग और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वॉच द प्रोग्राम ऑफ ऑन चैनल लाइक नेशनल ज्योग्राफिक, वाइल्ड डिस्कवरी एटसेट्रा टू लर्न अबाउट द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स लाइक फ्रॉग, स्नेक, बर्ड्स, मॉस्क्यूटोज, बटरफ्लाइज एटसेट्रा। देखिए एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल, वो लोग क्या क्या खाते हैं उसके बारे में आप लोग को स्टडी करने को कहा है इन लोगों ने। इधर एक चार्ट दिया है इन लोगों ने, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट फ्रॉम यूर ओन ऑब्जर्वेशन, अभी आपको ये खुद को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अभी एडेप्टेशन में क्या दिया, शार्प टीथ, तो एग्जाम्पल दिया है इन लोगों ने इधर, शार्प टीथ किसके होते हैं, लायन और टाइगर के होते हैं, और वो लोग का यूज किस लिए करते हैं, टू टियर द फ्लैश, यानी मांस को खींच के खाने के लिए, जो शिकार करते हैं ना उसके मांस को खींच के खाने के लिए उन लोग के जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। अभी लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, बीक यानी चोच, लंबा और पॉइंटेड चोच किसका होता है, तो वुड पिकर का। वुड पिकर का क्यों होता है, टू मेक होल ऑन वुड, वुड के ऊपर होल करने के लिए। शॉर्ट बीक, छोटा सा चोच किसका होता है, स्पैरो का होता है, टू ईट एंड फीड, खाना खाने के लिए भी और खिलाने के लिए भी। लॉन्ग एंड स्टिकी टंग किसका होता है, वो स्टिकी यानी वो चिकट चिकट वो नाक में से आपकी घी निकलता है ना सर्दी में वैसा, वो स्टिकी टंग किसका होता है, तो फ्रॉग का रहता है। क्यों, टू ईट इंसेक्ट्स इजीली, ऐसे जीभ है ना वो लंबा करता है, फटक से इंसेक्ट को पकड़ता है, और वो जो उसका स्टिकी टंग होने की वजह से वो इंसेक्ट है ना उसके टंग को चिपक जाता है, फिर वो फटक से उसको मुंह में डाल देता है। और लॉन्ग नेक किसका रहता है, जिराफ का। क्यों, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट में जो फ्रूट्स और पत्ते वगैरह होते हैं ना, उसको बेचारे को झाड़ में का पत्ते कैसे खाएगा, वो फ्रूट्स कैसे खाएगा, उसके लिए उसकी जो नेक होती है वो लंबी होती है। एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स, वी कैन नॉट इजीली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजर्ड एंड ग्रासहॉपर्स, हम लोग इजीली ये हम लोग को दिख जाते हैं क्या, नहीं, अगर बैठे रहेंगे तो हम लोग को दिखते नहीं है। दे गेट
दे गेट कैमोफ्लेज्ड एमिड्स्ट ग्रासेस पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम लीव्स फ्लावर्स एक्सेट्रा। वो खुद के जो कलर्स है उसको चेंज करते हैं, तो जिस प्लांट पे बैठे हैं उसके फ्लावर्स वो ग्रास के हिसाब से अपने कलर को चेंज करते हैं। दैट इज बिकॉज देयर कलर्स ब्लेंड विद दोज ऑफ देयर सराउंडिंग। उनके सराउंडिंग में जो ज्यादा कलर है वो हिसाब से उनका कलर हो जाता है। चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ लाइफ प्रोसेस्ड ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इनेबल देम टू लिव फीड रिप्रोडक्ट टू परपेचुएट themselves and protect themselves from their enemies in specific surroundings। अभी देखो जो एनिमल्स होते हैं अलग अलग तरह के उनके ऑर्गन्स होते हैं, उनका रहने का रहन सहन अलग होता है, प्रोसेस ऑफ लाइफ अलग होता है, और दैट अनेबल देम टू लिव, और उनके हिसाब से वो लोग उन लोग रहते हैं। अभी आप लोग डॉग को बोलेंगे झाड़ पे बंदर के जैसा लटक, तो वो डॉग जाके लटकने वाला है क्या झाड़ पे बंदर के जैसा? नहीं, तो बंदर ही वो लटक सकता है और डॉग को तुम लोग बंदर के जैसा झाड़ पे। तो हर एनिमल को अपना अपना तरीका है रहने का, उनका खाना खाने का, उनका बच्चे पैदा करने का तरीका, खुद को बचाने का तरीका हर एक का अलग अलग होता है। अपने एनिमीज यानी दुश्मन से, और अपने आजू बाजू के जो दुश्मन है उन लोगों से खुद का बचाव कैसे करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन आर कॉल्ड एडेप्टेशन। सी ये यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर से पढ़ो ये। तो वो उनका रहन सहन, रहने का तरीका, खाने का तरीका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तरीका, बच्चे पैदा करने का तरीका, जो भी, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो लोग के हैबिट के ऊपर, उन लोगों के ज्योग्राफिकल कंडीशन के ऊपर कि किस जगह पे वो लोग रहते हैं। क्या वो लोग रेत में रहते हैं, क्या वो लोग आइस में रहते हैं, या वो लोग जंगल में रहते हैं, या वो लोग पानी में रहते हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। उसे ही कहते हैं एडेप्टेशन। ऑलवेज रिमेंबर एडेप्टेशन इज नॉट अ सडन प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाता है। इट इज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस, ये चलते ही रहता है। डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ प्रेजेंट डे एनिमल एंड एनिमल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो आर the adaptations that occur according to prevailing conditions। It is our duty to conserve this diversity। अभी हर जगह पे हम लोग को अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिलते हैं, तो हम लोगों को उन्हें बचाना चाहिए। अभी डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन, ये साइंटिस्ट है, ग्रेट साइंटिस्ट मिस्टर डार्विन, चार्ल्स डार्विन, अ बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजी है जीव के ऊपर, जीव शास्त्र के ऊपर पढ़ने वाले, स्टडीड न्यूमरस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सजेस्टेड दैट ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स आर लाइकली टू सर्वाइव विच कैन बेस्ट एडेप्ट देमसेल्व्स टू अ चेंजिंग एनवायरमेंट। अभी प्लांट्स और एनिमल्स ये लोग अपने आप को सर्वाइव करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से, एनवायरनमेंट जिस तरह से चेंज होता है वो भी अपने आप को चेंज करते हैं। इट इज कॉल्ड द थियरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अंडरलाइन करना इसको, दिस इज डार्विन्स फर्स्ट प्रिंसिपल। इफ एन ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न विथ अ न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक and is able to survive, this change is preserved in the next generation। अगर समझो कोई एनिमल कुछ अलग चेंज से पैदा हो गया, तो उसके आगे का जो जनरेशन है वो जनरेशन उसी चेंज के साथ पैदा होगा।
अभी जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जब हम लोग आदि मानव थे तो हम लोग कैसे थे, बंदर के जैसे थे, क्या नहीं। फिर धीरे 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 अभी चेंज होते 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 अभी हम लोग ऐसे दिखने लगे है। दिस इज डार्विन सेकेंड प्रिंसिपल एंड इज कॉल्ड द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये डार्विन्स थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बराबर से पढ़ना है और समझना है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अभी हम लोग क्लासिफाई करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। व्हाई आर लिविंग थिंग्स क्लासिफाइड, क्यों उन्हें क्लासिफाइड करना है। व्हिच आर द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, किस किस चीज के हिसाब से हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन यानी कंपेरिजन, दो पार्ट में उन लोग को डिवाइड करना। इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी एंड रिमेंबर ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन दिस डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड एट द सेम टाइम। अगर इस दुनिया में हम लोग जितने भी लिविंग थिंग्स है उनका एक साथ अगर पढ़ाई करने को जाएंगे तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि इस दुनिया में बहुत तरह के अलग अलग तरीके के एनिमल्स है। क्लासिफिकेशन हेल्प इन दिस रिस्पेक्ट, अगर उसको हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो वो हम लोग को बहुत हेल्प करेगा समझने में, ठीक है। डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज डिफरेंट क्राइटेरिया एंड इंडिपेंडेंटली क्लासिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स, अभी अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग थिंकिंग के हिसाब से प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्लासिफिकेशन किया। A hierarchy is formed in the classification that start with kingdom Animalia or kingdom Plantae. अभी इसमें दो टाइप के किंगडम हो गए, एक एनिमलिया हो गया और एक Plantae हो गया। एनिमलिया यानी एनिमल्स, Plantae यानी वनस्पति प्लांट्स, वो चार्ट में आपको बाद में बताती हूँ, ये पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। एनिमलिया एंड Plantae, फर्दर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आर फॉर्म्ड डिपेंडिंग अपॉन बेसिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अभी ये जो दो ग्रुप है ए, उन लोगों में सिमिलैरिटीज क्या है और क्या सिमिलैरिटीज नहीं है, इसके ऊपर अभी इस डिफरेंसेस के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। दिस इज कॉल्ड द हायरार्की। अभी हम लोग देखते हैं ये चार्ट, अभी इस चार्ट में लोगों ने क्या दिया है, यहाँ पर दिया है हायरार्की, ये यहाँ दिया है मैंगो और इसमें दिया है ह्यूमन, ठीक है। अभी हायरार्की में सबसे पहले किंगडम आता है, उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये 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 ये, ठीक है। फिर तो किंगडम मैंगो किस किंगडम में है, तो Plantae में, प्लांट है ना वो, पेड़ है ना वो, और ह्यूमन एनिमलिया एनिमल है। उनका फाइलम क्या है, तो एंथोफाइला, मैंगो का एंथोफाइला है और ह्यूमन का है कोरडाटा। क्लास डाइकोटाइलेडनी और ह्यूमन का क्या है, मैमलिया। हायरार्की का ऑर्डर है क्लास ऑर्डर क्लास के बाद आता है ऑर्डर, मैंगो का है सेपिनडल्स एंड ह्यूमन का है प्राइमेट्स। फैमिली कौन सी आती है इसकी, एनारकार्डिया सिया, और ह्यूमन की आती है होमी नाइडी। इसकी जीनस क्या है, मैग्नीफेरा, और ह्यूमन के है होमो, और स्पेसीज कौन सी है, मैंगो की है इंडिका और ह्यूमन की है सेपियंस। तो इस तरह से ये चार्ट आप लोगों को दिया गया है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को ये चार्ट, गुड। अभी हम लोग पढ़ेंगे बायनोमिनल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनाउस। अभी ये क्या है देखते हैं हम लोग। इमेजिन दैट देयर आर फोर स्टूडेंट्स विथ अ नेम
कबीर और किरण इन ए क्लासरूम। अभी चार बच्चे हैं, उनके नाम है कबीर और किरण। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी वन ऑफ देम, हाउ वुड यू एंश्योर दैट अदर्स नो विच वन ऑफ देम यू आर टॉकिंग अबाउट। अभी आप लोग या तो कबीर के बारे में बात करें या किरण के बारे में बात करें, ठीक है। तो जब आप बात करते हैं तो उस इंसान के ही बारे में आप बात कर रहे हैं, और उसके बारे में आप जो बात कर रहे हैं वो उसे किस तरह से पता चलता है, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, किसी भी कन्फ्यूजन के बिना। वी वुड टेल द फुल नेम, दैट इज द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। अभी हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बोलेंगे। दिस इज सिमिलर टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी ये सिमिलर होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए ये जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके लिए यूज में आता है, आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिजम्स को पहचानने के काम में आता है। अकॉर्डिंगली अ साइंटिफिक नेम हैज बीन असाइंड टू ईच ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वो टू पार्ट्स में आता है। द फर्स्ट पार्ट इज जीनस एंड सेकेंड इज स्पेसीज। ऑल आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैव बीन असाइंड अ बायनोमियल नेम एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। All the organisms of species are so similar that irrespective of differences in color, height, habitats and habits, they can reproduce among themselves and form new individual like themselves. अभी देखिए, जो भी organism है वो सिमिलर होता है, उसके स्पेसीज सिमिलर होते हैं, जीन्स सिमिलर होते हैं। अभी वो जीव अपने ही जीव के जैसा दूसरा जीव पैदा करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो जैसे इंसान का बच्चा इंसान होता है, और टाइगर का बच्चा टाइगर होता है, डोंकी का बच्चा डोंकी होता है, डॉग का बच्चा डॉग होता है, तो जो ऑर्गेनिज्म है उसके बच्चे उसी के जैसे पैदा होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल डोमेस्टिक कैट्स इन द वर्ल्ड बिलोंग टू द सेम स्पेसीज, दुनिया के जितने भी कैट्स है वो डोमेस्टिक है, क्योंकि उसे पालते हैं ना, तो उनका सबका स्पेसीज जो है वो सेम है। द सेम इज ट्रू इन द केस ऑफ एनिमल्स लाइक हैन, काव, डॉग एटसेट्रा, एंड प्लांट्स लाइक मैंगो, वीट, मेज एटसेट्रा। तो इनकी कैटेगरी एक जैसी होती है। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम किंगडम प्लेंटी एंड एनिमलिया क्लासिफाइड बाय देयर बाइनोमियल मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर। अभी देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नाम दिया गया है, तो वो नाम क्या है अभी आपको बताएंगे। अभी लिविंग थिंग क्या है, डॉग है, उसका नाम साइंटिफिक क्या है, कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस। अभी ये है लिविंग थिंग काव, उसका साइंटिफिक नाम है बॉस टॉरस।
लिविंग थिंग है हिबिस्कस, हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस। लिविंग थिंग है जोवा जवार, सारगम बाइकोलर। देखो कितने अलग अलग नाम हैं। फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स इन योर सराउंडिंग एंड डिस्कस इन क्लास। अभी इस तरह से आप लोग एक एनिमल और बर्ड्स जिसके भी उनके नाम और उनके साइंटिफिक नाम क्या क्या है इसके बारे में ऑनलाइन जाओ देखो और डिस्कस करो क्लास में। अभी ये है फ्रॉग, देखो उसका जीप यक। 29th अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे। किलिंग और हार्मिंग फ्रॉग्स इज प्रोहिबिटेड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इन फ्रॉग को मारना या उनको हार्म करना, कुछ भी धोखा देना, उनको जख्मी करना, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सख्त मनाई है। तो 29th अप्रैल इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे। तो उस समय में फ्रॉग्स को प्रोटेक्ट करने का दिन है। मैंने देखा है ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन लोग को बहुत गंदी आदत होती है। वो लोग क्या, वो बटरफ्लाइज के पीछे पड़ जाते हैं उनको पकड़ने के लिए। कोई कोई बच्चे जो पानी में जो फिश होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो बॉटल में भर भर के फिश लेकर आते हैं। और फ्रॉग है, कॉकरोच है, इंसेक्ट्स होते हैं, वो अर्थ वर्म होता है। तो जो बच्चे होते हैं ना, वो लोग पता नहीं क्या क्या खेल खेलते हैं उनके साथ में। बेचारे डर के मारे यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, उनको पत्थर मारते हैं बच्चे लोग, काड़ी लेके ऐसा टोचते हैं। वेरी बैड। हर जीव को जो इस दुनिया में आया है उसको अपना लाइफ जीने का पूरा हक है। हम लोगों को कोई भी हक नहीं है अपने वजह से किसी भी दूसरे जीव को दर्द पहुंचाने का। ये बहुत बड़ा पाप है। आप लोग सोचो, अगर आप लोग ऐसे फ्रॉग को करते हो या किसी क्रिएचर को करते हो या किसी इंसेक्ट को करते हो, अगर ऐसे आप लोगों के साथ किया जाए तो, अगर आपको पत्थर मारे जाए, आपको काड़ी से ऐसे टोचा जाए, आपको जख्मी करे, आपके बदन से खून निकाले, तो आपको कैसे लगेगा, आपको किस तरह से दर्द होगा? आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके साथ में ये सब हुआ तो आप लोगों को कैसा दर्द होगा, वैसा ही दर्द उन्हें भी होता है, एनिमल्स को। हम लोग जल्लाद नहीं है, हम लोग इंसान है। और दुनिया में इंसान के जितना पावरफुल आदमी, इंसान के जितना पावरफुल भगवान ने किसी को भी नहीं बनाया है दिमाग से। तो इसके लिए हम लोगों को हमारे जो ये जो फायदे ना इंसान होने के, उसका किसी को दर्द पहुंचाने के लिए हमें इसका यूज़ नहीं करना है। ऊपर से हम लोगों को उन्हें प्रोटेक्ट करना है, ध्यान में रखना ये।